हिंदुस्तान में अगर कोई अकेला लड़ता रहे तो उसको लोन वॉरियर कहा जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज और खास करके बाबर आजम इस तरीके की इनिंग्स खेले तो उसे सेल्फिश इनिंग कहते हैं। आप मैं कह रहा हूं कि ही फॉट लाइक अ लोन वॉरियर टुडे। द थिंग इज जब वो बैटिंग क्रीज पर था तब भी आप सिनेरियो कह सकते हो और वो गेटेबल होता है T20 में। उम्मीद हम क्या लगा बैठे थे, हुआ क्या आखिर तक आते आते, और वो भी आप यहां तक पहुंचे हो। क्यों? क्योंकि आपका फिर से वही बाबर आजम आपको कहीं ना कहीं हिट किया है। बाबर आजम यहां पे चलता हुआ दिखाई दिया है, इसलिए आप यहां तक पहुंचे हो। बाकी पूरी टीम आपकी, दूसरे इन पे फखर ने अच्छी पारी खेली है, 50 किया है, लेकिन जो है बाकी क्या कर रहे थे, आयो राम गयो राम, आयो राम गयो राम। और बोलोगे बाबर आजम क्यों नहीं स्ट्राइक रोटेट किया, क्यों नहीं उन्होंने छक्के लगा, मारे छक्के। जब 6 विकेट से 8 विकेट गिर जाए ना तो अच्छे से अच्छे बल्लेबाजों के पैर फूलने लगते हैं। 21 रन से न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीत लिया। हार गई जी पाकिस्तान, फिर से हार गई भाई। आज भी आप कह सकते हो बाबर वो फेवरेबल सिचुएशन में आप आ गए थे, वहां से एक ओवर खेलना था, बाबर गलत टाइम पर आउट हो गया। लेकिन द थिंग इज हार का ठीकड़ा आपको टीम गेम है, जो गेम बिल्ड करा है। फकर जमान होता है गेम फिनिश कर देता, उसकी एबिलिटी वो है, वो विल पे छक्के मार देता है। लेकिन आज बाबर आजम ने कोई खराब पारी नहीं खेली। 46 में 66, 153 का स्ट्राइक रेट, लास्ट मैच 162 का स्ट्राइक। हाँ, तो अकेला ये बंदा देख रहे हो, दोनों मैच सपोर्ट तो चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव चाहिए होता है, जो विराट कोहली को एक सपोर्ट चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं आज भी आपकी टीम वही लैक करी है। रिजवान सैम अयूब 195 के चेज में उनको फंसा रहे हैं वहां पर, सैम अयूब बच्चा बन के वही गलती। अरे भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बार बार आपको नहीं बचाएगा। आज मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करी ना बाबर आजम ने, चौके भी तो हमारे कितने प्यारे चौके मारे थे। मैच्योरिटी के साथ खेला, शुरू में संभल के ये खेल रहे थे। और फखर जमान ही है भाई जो आप पर आप डिपेंडेंट रहते हो, जिस खिलाड़ी पर, वो फखर जमान ही है। एंड अगेन बार बार जो हम देखते हैं कि आप दो बंदों पर, बाबर फखर जमान पर डिपेंडेंट। स्कोर कार्ड देखो, 25 में 50 फखर का है, 43 में 66 बाबर है। थर्ड हाईएस्ट जो है, 22 रन 13 में शाहीन अफरीदी। भाई मैं वही तो कह रहा हूं, आपके बैट्समैन कहां गए? बिल्कुल बाबर आजम ने, आप जो मर्जी कह लो कि आप सेल्फिश इनिंग के लिए है, लेकिन रिजवान, इफ्तिकार, आजम खान और बाकी के जो बल्लेबाज थे वो तो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे ना। 43 बॉल पे 66 रन की पारी खेलकर जो है आज बाबर आजम अकेला लड़ता रहा, एक छोर से विकेट गिरता रहा। कहानी वही सेम रही, 2024 का स्टार्ट हुआ, लगातार दो मैच में 250 प्लस स्कोर, लेकिन फखर जमान के अलावा और कोई भी बल्लेबाज ने बाबर आजम का साथ नहीं दिया, और इसकी वजह से एक बार फिर पाकिस्तान टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग ये दिखाएंगे कि बाबर आजम की वजह से मैच हारा है। अगर ऐसी इनिंग बाबर आजम खेले ना तो मैं हमेशा बोलूंगा कि वेल प्लेड बाबर आजम। ये इफ्तिकार, आजम, आपके रिजवान, सैम अयूब, मतलब मैं कह रहा हूं 195 की चेज में देखो, हम मानते हैं कि दो खिलाड़ी आपको मैच जिताते हैं, ऐसे बिकी नहीं है, आप घुसवा दो। विकेट गिरी है वहां पर, क्या कहते हैं, एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की नहीं कोशिश करिए। क्या फखर जमान पर गेम है? क्या केवल बाबर आजम पर गेम है? तो कहीं ना कहीं सारा मैच जो हार का ठीकड़ा है भाई, मैं तो इन बैटर्स पर ही फोड़ता हूं। 190 आप भी फिर भी देख रहे हो ना, कितनी विकटें गिरी हैं आसपास, ये वो, उसने 25 पे 50 मार दिए फखर जमान ने, बाबर आजम ने आई थिंक 153-55 की स्ट्राइकर से खेला। क्योंकि जिस मोहम्मद हारिस को बिठा के आपने आजम खान जैसे 250 किलो के पहलवान को आपने टीम में लिया है, उनसे रन्स नहीं आ रहे, वो न्यूजीलैंड के लिए खेल रहा है। ना रिजवान के बल्ले से रन्स आए, ना सैम अयूब के बल्ले से रन्स आए, इफ्तिकार चाचू कर क्या रहा है, उनसे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है? आपके गेंदबाज इतने ज्यादा रन्स कुटाई पे कुटाई कर रहे हैं, और फिर बात आ जाती है बाबर आजम पे। मैं बाबर के साथ हमेशा हूं, क्योंकि इसी तरह के इनिंग्स के लिए वो जाना जाता है। लेकिन 10 रन पे 2 विकेट आपके गिर जाएंगे, उसके बाद फखर जमान, बाबर आजम ने कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बिल्ड किया, फखर जमान आउट हुए। आज सबसे अच्छी इनिंग्स मुझे बाबर आजम की इसलिए लगी क्योंकि 9 बॉल पे शुरुआती के 4 चौके मारे थे उस बंदे ने, 200 प्लस उनका स्ट्राइक रेट था। उसके बाद फखर जमान ने चार्ज करना शुरू किया, स्ट्राइक रोटेट किया, खुद भी रन बनाए, 50 लगाया, उसके बाद 2 छक्के और मारे, लेकिन बाकी के बल्लेबाज मैगी बनाने के लिए पिच पे आ रहे थे। 2 मिनट आए, 2 मिनट में गए, आए और गए। बाबर आजम इज नॉट विराट कोहली, बाबर आजम इज नॉट सूर्य कुमार यादव, उसकी लिमिटेशन है गेम की, तो उसको उस तरीके से ही जज करो जो तुम उस पर अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो उसने आज गेम खेला भाई, उसका गेम यही है। आप वाइल्ड चेस कहते हो कि यार इसने तो पहले बैटिंग करते हुए किसने मारे हैं 170-180 की स्ट्राइक रेट से, मैं मानता हूं, लेकिन चेज में क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए। इफ्तिकार क्या कर रहे हैं ये, किस बात के पीएसएल टैलेंट है आपका? आजम
सैम अयूब, यही तो मौके होते हैं। फिर तो दुनिया यही कहेगी पीएसएल तक ही आप सीमित हो। यार जितना बाबर कर सकता था किया, फखर ने अच्छी पारी खेली, लेकिन बात वही सैम अयूब, रिजवान, इफ्तिकार, आजम खान, आमिर जमाल, बैट से क्या कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल पीएसएल टैलेंट, पीएसएल टैलेंट, यही होता है पीएसएल टैलेंट। और शुरू भी होने जा रहा, फिर से इनका एक और सीजन शुरू हो रहा, जाइए ना, जाइए वहां खेलिए, वहां बड़ी बड़ी 30 में 60 करिए, 80 करिए। और ये क्या कौन सी कप्तानी है, अगर यही आगे आज बाबर आजम कप्तान होता ना तो हर कोई कोस रहता कि देखो खराब कप्तानी की है, ये की है। बाबर को तुम टीम से बाहर नहीं बिठा सकते, मैं बार बार बोल रहा हूं, बाबर को जिस दिन तुम टीम से बाहर किए तुम्हारी टीम की एल लग जानी है। 200 रन छोड़ो तुम, 150 रन भी बनाने की औकात नहीं है बाबर के बगैर, और आज वो देख लिए तुम लोगों ने। बाबर आजम आपको एंकर करके दे देगा, गेम चला के दे देगा, तो आज ये दुनिया बाबर आजम को कह देगी अरे भाई नहीं कर पाया वो फिनिश। छोर पे खड़ा है बेचारा, उसको स्ट्राइक रेट भी देखना है, उसको रिक्वायर्ड रन रेट भी देखना है, और उसके सामने जो है फखर का विकेट जाता है, इफ्तिकार जाता है, आजम जाते हैं, उसके बाद आमिर जमाल जाता है। हाँ। चार विकेट बाबर के सामने गिर रहा है यार, वो बंदा कैसे वहां पे उस कंसिस्टेंसी से आपको रन कर पाएगा। फखर जमान गजब की इनिंग्स खेली है, अगर फखर जमान और चार ओवर और खेल लिया होता ना बाबर आजम के साथ, मैच अपनी मुट्ठी में था, मैच आप लोगों ने जीता हुआ था। लेकिन एजेंडा बनाने वालों के लिए यह चीज हमेशा रहेगा कि बाबर आजम ने मैच नहीं हराया है, मैच हराया आपका रिजवान, सैम अयूब, इफ्तिकार अहमद, आजम खान। इन लोगों से सवाल कीजिए कि इन लोगों को लगातार मौका दिया जा रहा है, आजम खान को मौका दिया जा रहा है, 250 किलो के दंगल लड़वाने के लिए आपने भिजवाया है उनको, साला 2 बॉल 5 बॉल तक बंदा ये नहीं खेल पाता है। और फिर बात आती है बाबर आजम एक अकेला छोर पे क्या करेगा, ये एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, क्या उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है कि उनसे रन्स क्यों नहीं बन रहे हैं? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम भाई रन्स क्यों नहीं बना रहे हो, आजम खान, इफ्तिकार अहमद, तुमसे रन्स क्यों नहीं बन रहे हैं? किस चीज के लिए तुमको टीम में रखा गया, सिर्फ चाचू चाचू कहने के लिए? तुमसे रन्स क्यों नहीं बना? इफ्तिकार चाचू अगर 4 ओवर भी खेल लिए होते ना, मैच का पासा एकदम से पलट के रख जाता। मैं इंडिया की टीम से भी, मैं इंडिया पर्सपेक्टिव में समझाता हूं, आपके अर्ली ऑन 2 विकेट गिर गई जिसमें से एक आपके रोहित शर्मा आउट हो गए, फिर विराट कोहली और आपके साथ एक अटैकर है सूर्या, तो सूर्य वाला रोल निभा रहा आपका फखर जमान। बाबर आजम ने भी तो एंकर करा, मैंने आपसे क्या 2 ओवर में 10 रन थे, और आपने 10 ओवर तक सिनेरियो वो बना दिया था कि आप एडवांटेज में थे। जो आपका वो वॉर्म होता है ना, इनिंग्स वॉर्म, उसमें पाकिस्तान आगे है, फकर की विकेट गिरी सारे घुस गए, तो उसमें बाबर को इकलौते को क्यों ब्लेम कर दोगे भाई आप? इफ्तिकार क्या कर रहा है, पीएसएल टैलेंट क्या कर रहे हैं आपके, आजम क्या कर रहा है, सैम अयूब क्या कर रहा है? तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी पूरी टीम है, ये टीम गेम है। क्योंकि बाद में आमिर जमाल देखो 8 बॉल खा गया था वो बंदा, शाहीन अफरीदी स्ट्राइक नहीं दे रहा बाबर आजम को, ये अपना तुर्रम खान बनने पे कि मैं छक्के मारूंगा, ओ भाई तू शाहीन अफरीदी है, शाहिद अफरीदी नहीं है तू, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। आज अलग बाबर आपको दिखा है, स्टार्टिंग से ही वो अटैक करने जा रहे थे और अटैकिंग बाबर दिखा है, दूसरे एंड पे विकेट गिर रहा था, उसके बावजूद बाबर जो है आपके जो रिक्वायर्ड रन रेट है आपका, वो बाबर कहीं ना कहीं मेंटेन करने के। एक भाई है जो हमारे सारे भाई अभी कह रहे हैं, आकाश भाई देयर इज नो नीड एनी एंकर इन T20 इनिंग्स एनीमोर इन टुडेस क्रिकेट, निलेश तिवारी भाई। इसमें एक और चीज उठाऊंगा, जब बाबर आजम ने स्टार्ट भी करा था ना, तो उसमें उस वक्त उसकी स्ट्राइक रेट भी आपकी हाई 170s 180s था, तो कहीं ना कहीं वो स्लो तब हुआ है जब इन टैंडम विकेटें गिर गई हैं। रेगुलरिटी में, क्विक सक्सेशन में कौन कौन आउट हुआ, फकर आउट हो गया, इफ्तिकार आपका आउट हो गया, आजम आउट हो गया, आमिर जमाल ने भी विकेट फेंक दी, तो जब आपका मिडल में वो डेप्थ नहीं होती ना, तो भाई अगला बैटर क्या 3 विकेटें गिर रही है क्विक सक्सेशन में, वो अपना बल्ला भी ना रोके। ठीक है ये पीएसएल मैच नहीं है कि अपना पहले मारेंगे ये करेंगे, और ये लाहौर का मैदान भी नहीं है, ये न्यूजीलैंड का मैदान है, बाउंसी पिचेज होते हैं, यहां पे रन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, जो टैक्टिकली बेस्ट बैट्समैन होता है वही रन कर सकता है। क्या मुझे एक सिंपल सी बात बताना, चलिए वन डाउन खेल रहा है तो बाबर ओपन कर रहा है पूरी जिंदगी अपने T20s में, आई एम एस्किंग यू, मैं सेकंड बेस्ट बैटर को बात कर रहा हूं, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा वाइल जब ओपन कर रहे हैं और चेस कर रहे हैं T20 में, मैच फिनिश कितने करके आए होंगे मुझे आप बताइए, मैच फिनिश करने वाली बात, विराट कोहली की बात नहीं हो रही यहां पर। सो द थिंग इज, हर खिलाड़ी का एक अपना रोल होता है डेजिग्नेटेड, आप इंडिविजुअल्स पर डिपेंडेंट हो, और ओसामा ने ऐसी बॉलिंग कर ली, मैं तो शदाब को सीधा लाऊं भाई, उनका इंजरी का पता नहीं क्या मसला था, पर शदाब आए सीधा, T20 में इज बेटर बॉलर, और बैटर तो आपको पता है, एक बैटर आप कम पड़ रहे थे, शदाब होता तो आपको और डीप ले जाते, लेकिन इसमें आप छुपाओ मत, इफ्तिकार का फेलियर, आजम का फेलियर,
सैम अयूब का फेलियर और रिजवान का फेलियर. That's it. पाकिस्तान आज अपना दूसरा T20 मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड 21 रन से फिर हार गया. मैनेजमेंट से कप्तान और खिलाड़ी बदली है, लेकिन पाकिस्तान टीम की किस्मत नहीं बदल रही और इसकी वजह है पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस. पाकिस्तान में एक दो मैच में परफॉर्मेंस ना आने पर खिलाड़ी बाहर कर दिया जाता है, और अगर बाहर नहीं भी होता है तो टीम इस प्रेशर के साथ खेलता है कि अब शायद अगले मैच में मैं बाहर हो जाऊं. जब तक मेरिट पर एक ऑनेस्ट टीम जिसको ये खौफ और डर ना हो कि एक आध मैच के बाद हमें बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर टीम परफॉर्म करती है. अभी तो एक ही दो मैच हुए इसलिए शाइन की कप्तानी पर बात नहीं की जा सकती, लेकिन अगर यही हाल रहा तो क्या फिर कप्तान बदलेंगे? तो फिर वो टीम बुरी थी जो बाबर आजम की कप्तानी के अंदर खेल रही थी. अपनी बॉलिंग को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है. शाइन की बॉलिंग पर तो सवाल उठाए जा सकते हैं, मेन बॉलर होते हुए भी ना किस कारकर्दगी, और बैटिंग लाइन तो दोनों मैचों में ही मुकम्मल फ्लॉप. जो लोग ये कह रहे थे कि बाबर आजम का T20 खत्म हो गया, अब कहाँ है भाई वो लोग. अब देखते हैं कि आने वाले मैच में पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी इन होंगे और कौन से आउट. आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें.